दोनों हमारे इस मैच को जल्द से जल्द शुरू कराए। इस वक्त जो मुकाबला खेला जा रहा है गाजीपुर वर्सेस विशाल, नहीं नहीं मैं देखा तो चाय पी पी के खत्म कह दो। पांच प्लस पांच ओवर का मुकाबला गाजीपुर वर्सेस विशाल। विशाल टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और गाजीपुर की बल्लेबाजी है। जो सलामी दौड़ इस वक्त मैदान पे भेज दीजिए गाजीपुर और अपने फील्ड को सजा लीजिए। ये मैच जो खेला जा रहा है गाजीपुर और विशाल के दरमियान खेला जा रहा है, मैं बता दूं काफी अच्छी टीम है दोनों। विशाल की टीम में सतीश, अनवार और सलीम अफजल, जिसमें तीन प्लेयर नहीं है, इसमें फुरकान और अदनान टीम का काफी कभी हिस्सा हुआ करते थे। पहला तैयार है अफजल, काफी फास्ट बॉलर है अफजल विशाल की जानिब से। मौली साहब के गाजीपुर का अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो कमेंट्री बॉक्स पर अपने खिलाड़ियों का नाम बताएं। कैप्टन ऑफ गाजीपुर भाई। स्ट्राइक पर होंगे आसिफ, नॉन स्ट्राइक पर होंगे अमित। बॉलर है अफजल, फर्स्ट अंपायर फरहान, सेकंड अंपायर खालिद। भाई ये क्या यार, ये तो क्या यार, अफजल बॉलिंग करेंगे आसिफ को। अब जब बॉलिंग करेंगे अमित को, ये साठ पिच के पूरी तरह से बीट हो गए, कट करना चाहते थे पॉइंट की जानिब से, बाकी का विकेट कीपर सलीम ने पूरा किया बहुत ही अच्छी गेंद अफजल की। एक बार फिर से दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद अमित के लिए। एक बार फिर साठ पिच के लिए चार रनों के लिए मेन विकेट की जानिब से निकलता हुआ चौका, शानदार चौका। अफजल ये बहुत ही अच्छी स्टार्ट वाला पास, अच्छी फील्डिंग, बदल की रन का चांस, अगर हाथ नहीं लगता है यकीन डायरेक्ट हिट हो सकता था। बार बार बचे आशीष, आशीष ये
ये गेंद आशीष के लिए और कट किया है पॉइंट के जाने, दौड़ कर एक रन पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। सारे लोग मतलब मैं ऐसे में खत्म हो गए। अब जल के गेंद और क्लिक कर दिया है गेंद को, देख लो अंपायर का इशारा क्या होता है, खालिद का इशारा क्या होता है अंपायर। एक रन स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। अब जल दौड़ना स्टार्ट किया अंपायर को, क्या किया ये गेंद बहुत ही अच्छी शॉट और फिर फील्डिंग रन मार के जाने पॉइंट पर, ये फिर 4 रनों के लिए निकल गई। एक रन की समाप्ति पर स्कोर है 11। लाजवाब के पूरी तरह से बीट हो गए वाइट क्या करके सतीश की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर सतीश की। सतीश बॉल करेंगे अमित को, ये गेंद अमित के लिए और शिव की है वहां पर अंपायर का इशारा, देखना है आउट, कैच आउट हो गए अमित। अपनी टीम के लिए 6 रनों का योगदान दिया अमित ने, जीत करना चाहते थे लेकिन फाइनल लेग पर पकड़े गए अमित। बैट्समैन ने सतीश बॉलिंग करेंगे आशीष को, दौड़ना स्टार्ट किया ये गेंद बहुत ही अच्छी शॉट लाजवाब का, एक्सीलेंट बाउंड्री, नो चांस मिला, फोमो, बड़ा स्टार्ट। हां हम माहौल गांव गांव का नगर पंचायत, बहुत ही अच्छी शॉट यहां पर आशीष की, और अंबारी फूलपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 16। ये गेंद आशीष के लिए, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन। अपना दूसरा और टीम का तीसरा बॉल लेकर अफजल स्ट्राइक पर आशीष, अफजल नफीस के लिए ये गेंद और गेंद को खेला फाइनल लेग की जाने, रन आउट का चांस हो सकता था, इस
स्कोर बन नंबर 17 है। क्या था कमेंट तो नजर अंदाज कर रहे हैं। अरे मैच देखिए, स्कोर बन नंबर 18 मस्ती में कमेंट कर रहे हैं। गेंद करेंगे नफीस को, ये बहुत ही अच्छी शॉट वाला पास, अनुमान की मिसफील्डिंग और गेंद सीधे चार रनों के लिए निकल गई। नहीं सलमान चला गया होगा। स्कोर बनता हुआ 22 रन। जो यार हुआ बड़ी के साथ मिले थे तो भाई एक बार फिर अफजल तैयार है नफीस के लिए। ये गेंद और गेंद को खेला है, रन आउट का चांस, लेकिन बार बार बचे, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अफजल बॉल करेंगे आशीष को, जोरदार अपील यहाँ पर, शॉर्ट पिच गेंद थी, कट करना चाहते थे पॉइंट आउट गली की जानी, लेकिन आशीष सॉरी भाई 3 बजे लीग वाला खत्म। ये गेंद गेंद तो खेल रहा है मिडल की जानी, दौड़ कर एक रन पूरा किया, स्कोर बनता हुआ 24 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। जो कमी दिखाई दे रही है निशान टीम में, फुरकान और अदनान की काफी ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। ये गेंद और गेंद तो खेला है स्लिप के जाने, दौड़कर एक रन पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। काफी अच्छी बॉलिंग सतीश द्वारा, दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद नफीस के लिए, गेंद को खेला है अनुमान की जाने, और एक बार फिर से थोड़ा मिसफील्डिंग हुई, लेकिन दूसरे सर में बॉल को फील्ड किया अनुमान ने, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। बहुत ही अच्छी शॉट और वहां पर मिसफील्ड गेंद चार रनों के लिए निकल गई चिकन सिलिंग में जाने से, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। सतीश बॉल करेंगे आसिफ को, बहुत ही लाजवाब शॉट, कवर नहीं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर अभिषेक की, बहुत ही अच्छी फीलिंग वहां पर अभिषेक की। सतीश बॉलिंग करेंगे नफीस को, ये गेंद एक बार फिर से बहुत ही अच्छी शॉट और गेंद मिस फील्डिंग, चार रनों के लिए निकल गई, स्कोर बनता हुआ 35 रन। काफी तेज शॉट थी, गेंद हाथों से छलकी और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए निकल गई। सतीश बॉलिंग करेंगे नफीस को, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं नफीस, ये गेंद और गेंद को फील्डिंग करना चाहते थे, दौड़कर एक रन पूरा किया, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन। बादल बॉल फेंकेंगे
और गेंदबाजों पर लगी दौड़ करके पूरा किया, स्कोर बनता हुआ 37 रन। बादल बाल देखेंगे और यहाँ पर विकेट कीपर भी बीट हुए के सिरे 4 रनों के लिए निकल गए, स्कोर बनता हुआ 41 रन। काफी अच्छी गेंद और मिस फील्ड सलीम द्वार, लेकिन रन आउट। आसिफ होंगे स्ट्राइक पर, आशीष अपने साथी बल्लेबाज का नाम बता दे, आसिफ टीपू टीपू टीपू। बाद अगली गेंद आसिफ के लिए, अच्छी गेंद अच्छा बॉल लाइन, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, इस एक रन की वजह से स्कोर जा पहुंचा 43 रन। पकड़ अपनी अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे टीपू को, इस बार अच्छी गेंद समझ ना सके टीपू गेंद सीधा कीपर के दस्तान, 44 रन। बादल अपनी अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, हल्का सा स्विंग हुई गेंद, गेंद सीधा विकेट कीपर सलीम के हाथों। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 45 रन 44 रन 45 रन का टारगेट दिया है। इस मैच के तुरंत बाद सेकंड राउंड का फर्स्ट मुकाबला मऊ वर्सेस संजरपुर, दोनों कैप्टन से गुजारिश है अगर अपना टॉस कराएं। सेकंड राउंड का फर्स्ट मुकाबला मऊ वर्सेस संजरपुर, तैयार हो जाए, इस मैच के तुरंत बाद उनका टॉस होगा, तुरंत टॉस होने के बाद तुरंत मैच शुरू कराया जाएगा। इस मैच को फिर सिर्फ 1 दिन की परमिशन मिली थी, इस टूर्नामेंट को 1 दिन में ही खत्म करना है। लाइट चला तो चल यार, सामने खड़ा जो बताओ बता, पूरा इंडिया देखी है वो आफिस जी की दिखती है। गुजारिश अपने दोनों सलामी जोड़ी को मैदान पे भेज दे और गाजीपुर अपने फील्ड जल्द से जल्द सजा ले। स्ट्राइक पर होंगे सनी नॉन स्ट्राइक पर सतीश, इस तरह से पहले इनिंग की समाप्ति होने के बाद 45 रनों का टारगेट दिया है गाजीपुर की टीम ने। निजाम को अगर इस मैच को जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी,
और नानी शैक पर सतीश स्ट्राइक पर सनी स्ट्राइक पर होंगे। सनी काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं और बॉलर्स का नाम बता दें दिनेश होंगे बॉलर। अपने टीम का पहला और अपना पहला ओवर लेकर उनके सामने होंगे सनी जो उनके सामने काफी अच्छा लक्ष्य रखा है गाजीपुर की टीम ने। तो ये उनकी पहली गेंद और गेंद को कट करना चाहते थे वहां पर अंपायर का इशारा। काफी अच्छी गेंदबाजी कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद गेंद वाइट होगी लेकिन काफी अच्छी गेंद पहली गेंद और अच्छी गेंद कोई भी रन नहीं। ये गेंद एक बार फिर गेंद को लेग साइड में खेल दिया है वहां पर फील्डर मौजूद है जब तक कि फील्ड करते थ्रो करते एक रन का चांस उसको पूरा भी किया। तो इस तरीके से निशान का स्कोर एक रन खाता खुलता हुआ और अब सामने होंगे सतीश काफी अच्छे बल्लेबाज उनके सामने। ये गेंद और गेंद को हल्का से कट कर दिया है स्लिप की तरह एक रन का मौका था उसको पूरा किया। इस तरीके से धीमे धीमे कदमों से रन बनाते हुए निशान की टीम दो रन पर। अगर उनको इस मैच को जीतना है तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये गेंद और गेंद के बाद फिर गेंद को खेलना चाहते थे पूरी तरीके से समझ नहीं सके और क्लियर भी खेल दी विकेट कीपर ने जोरदार अपील लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं उस अपील का। तो इस तरीके से अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक की चार गेंदों पर बेहतरीन गेंदबाजी केवल दो रन पर ना तक की है निशान की टीम। सामने होंगे सनी। सनी के लिए ये गेंद को लांगाम की तरफ खेल दिया है चार रन किसी फील्डर का कोई मौका नहीं उनके हाथों को चूमते हुए सीमा के बाहर चार रनों के लिए। अगर इस मैच को जीतना है तो इस तरीके से उन्हें बल्लेबाजी करनी पड़ेगी हर ओवर में कम से कम दो बाउंड्री तो लेनी ही पड़ेगी अगर इस मैच को उनको आसानी से जीतना है तो। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर छह रन विशाखम का। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद गेंद को कट करना चाहते थे सिल की तरफ पैर पर जाकर तक जो जा अंपायर का इशारा फरहान की उंगली हवा में इस तरीके से ये पैगाम देते हुए कि ये इस तरीके से अपना विकेट खो दिए हैं सनी ने। विशाखम का पहला विकेट इस वक्त सनी के रूप में तो उनकी जगह लेने आए हैं सलीम और छह रन में अपना पहला विकेट खो दिया है सनी के रूप में। ओपन की जिम्मेदारी निभाने आए थे सनी ज्यादा कुछ कर नहीं सके अपने अपने और अपने टीम के लिए हालांकि काफी उम्मीद थी उनसे भी शाम को। तो इस तरीके से सलीम आए उनकी जगह पर बैटिंग करने के लिए गेंद को खेलना चाहते थे गांव की तरफ देखो उनके पैर पर जाकर टकराई इस तरीके से बॉलर्स का नाम बता दे गाजीपुर के खिलाड़ी बालू की जानेब से हैंडी विकेट पे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई भी हैट्रिक चौके पे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा तो यहाँ पर बॉलर्स का नाम बता दे जरा गाजीपुर के कोई भी प्लेयर आसिफ होंगे बॉलर अपने टीम का दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर आसिफ। सामने होंगे सतीश काफी अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सतीश के लिए। ये गेंद गेंद को मिसफील्ड होता हुआ वहां पर चार रनों के लिए गेंद सीमर गेंद बाहर अंपायर का इशारा जानना चाहूंगा ये बॉल वाइट है या नहीं तो पैर से है शायद ये बॉल और सतीश कुछ इशारा करते हुए अंपायर की तरफ कि शायद ये फर्स्ट वार्निंग है लेकिन उसका कोई असर नहीं। इस तरीके से पड़ता हुआ स्कोर ये गेंद को लेग साइड पर खेलना चाहते थे उनके बल्ले का गुरु सिला लेकर सीधा विकेट कीपर के उदयराज भाई के तरफ से अगर कोई भी हैट्रिक बॉल या चौका या विकेट लेते हैं तो उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ग्यारह
रन पे अपना दोनों बैट्समैन को खोती हुई शाम की टीम। सतीश का विकेट 11 पे गिरता हुआ। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गाजीपुर के कोई भी गेंदबाज, जो भी आ रहा भी दूसरा बच्चा लगता सी हुई गेंदबाजी। रेहान लाल ने रन लेना चाहते थे लेकिन सलीम ने मना किया, लेकिन उसका खामियाजा भुगतती हुई विशाम की टीम का तीसरा विकेट 11 रन के स्कोर पर। जिस तरीके की शुरुआत होनी चाहिए थी उस तरीके से शुरुआत नहीं कर पाई विशाम की टीम। हालांकि उनके सामने बहुत ही अच्छा टारगेट रखा है गाजीपुर के टीम ने 45 रनों का, तो यहाँ पर एक बार फिर एक रन मिलता हुआ विशाम की टीम को, तो बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस तरीके से दो ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर विशाम की टीम। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा संजयपुर वर्सेस मऊ के बीच वो मैच खेला जाएगा, और दोनों कैप्टन मेरी आवाज सुने तो आकर टास करा लें। तो ये तीसरा ओवर चल रहा है, गेंद को उछाल कर खेल लिया है, लेकिन सिर्फ उस इस तरीके से उछाल कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद को जमीन पर रखने में नाकाम रहे। अपना विकेट खो दिए सलीम ने, चौथा विकेट जीता हुआ विशाम की टीम का। पूरी तरीके से बॉडी लैंग्वेज सुस्त नजर आ रहा है विशाम की टीम का। केवल 12 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिया है विशाम की टीम ने। यहाँ पर एक और चार लगातार विकेट की झड़ी लगा दी है गाजीपुर के गेंदबाज और फील्डर मिलकर। कप्तान मऊ अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स पर आए। लतीफ दोना बालर्स का नाम दिनेश होंगे बालर। अपना दूसरा ओवर काफी अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में की थी और अपना दूसरा ओवर इस वक्त फेंकते हुए अपनी टीम का तीसरा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सिकंजर कसा है गाजीपुर की टीम ने विशाम के ऊपर के साथ। ये सीधा सीधा पांच छह रनों के लिए कप्तान मऊ के अगर कैप्टन मऊ के अगर हमारे पास सुन रहे हैं तो कमेंट्री बात पूरी तरह से गाजीपुर इस मैच में बढ़त बनाई हुई है। तो इस तरीके से रन जरा बताइए सलाह जो कि अपना लगातार विकेट खोती हुई नजर आ रही विशाम की टीम। लतीफ हमारे पास बैठे हुए हैं उसमें, लेकिन जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं उम्मीद से काफी बाहर। इस वक्त गेंद को कट करना चाहते थे ये भी 4 रन विकेट कीपर से मिस होते थे सीमा के बाहर। देखा जाए तो लतीफ भी हमारे पास बैठे हुए हैं। 16 रन हाई स्पीड टेक्नोलॉजी बाय एंड फैंटास्टिक एवरी बॉडी लवली लवली बैटिंग नाउ गाजीपुर संजयपुर के बीच जो टॉस हुआ है तो संजयपुर ने टॉस जीता है और अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। फैंटास्टिक एवरी बॉडी लवली मैच तो तुरंत ऐलान किया जाएगा और इस मैच के तुरंत बाद वो दोनों टीमों का मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीम के कैप्टन अपने प्लेयरों का पूरी तरीके से तैयार रहे और मऊ एंड और हमारे बीच आसिफ भाई जो काफी उनका दिनेश उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं गेंदबाजी करते हुए अपने दूसरे ओवर में ये गेंद बहुत ही वर्किंग गेंद थी। गेंद को सिर्फ डिफेंस किया बॉलर थ्रो में खुद फील करते हुए इस तरीके से तीन पूरे मैच की वाट लग गई। तीसरा ओवर की समाप्ति के बाद चार ओवर का खेला है तो 16 रन अब तक दूसरा राउंड का दूसरा मैच खराब स्थिति इस वक्त विशाम की टीम के। हालांकि मैच अनिश्चितता का खेल है कभी कुछ भी हो सकता है। इच्छा बजे इस ओवर में अगर अब 4 या 5 बाउंड्री आ जाती है तो मैच का नक्शा कुछ और रहेगा, लेकिन सामने है अनवार देखते हैं कितना अच्छी बल्लेबाजी कर पाते या नहीं। लेकिन गेंद को कट करना चाहते थे स्लिप की तरफ उनके बल्ले पर गेंद आई नहीं, बाकी का काम विकेटकीपर ने पूरा किया। तो इस तरीके से आसिफ माफी चाहूंगा उनके किट पे जो लिखा हुआ है
उसी के चलते मैं आसिफ बोल गया। तो आसिफ होंगे वाला बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। गाजीपुर का जो भी गेंदबाजी के लिए आ रहा है सभी ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक। किसान के सभी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बात कर रखा है। आसिफ की ये गेंद जिनको फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे बैट पर जाकर टकराई और एक रन का चांस था उसको पूरा करते हुए। तो बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन से एक रन की मदद से पिसाहम की टीम का। और अगर इस मैच को जीतना तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अनवार को। और अनवार हालांकि कोशिश कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन उनके बल्ले पर पूरी तरीके से गेंद आ नहीं पा रही है। और हालांकि अनवार बहुत ही जुझारू खिलाड़ी है, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं टीम को जिताने के लिए, लेकिन उनके बल्ले पर कोई भी गेंद आ नहीं पा रही उस तरीके से। मुझे लगता है अनवार अगर लास्ट तक खेलेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन जिता देंगे। आसिफ के ये गेंद अनवारी गेंद को बहुत खूबसूरती से गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन कोई एयर नहीं। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। अब यहां से मैच अनवार हालांकि बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और उनके कप्तान उनसे काफी उम्मीद थी और उम्मीद अभी भी है। अगर वो जब तक क्रीज पर है तो मैच में पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखेंगे। और ये गेंद को बहुत खूबसूरती से निकाल दिया है लेकिन वहां पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग, लांगदान की दिशा में गेंद को खेल दिया, कोई रन नहीं, सिर्फ बाउंड्री लगाना चाहते हैं। और अब पूरी तरीके से मैच गाजीपुर के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। गेंद को बहुत अच्छी गेंद, उछाल भरी गेंद, पढ़ नहीं पाए गेंद को, बाकी काफी पूरा किया। तो आसिफ काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। संजनपुर के कप्तान अगर हमारी आवाज सुने तो टॉस जीते हैं, अपना डिसीजन कमेंट्री बॉक्स पर आकर दे दें। और इस मैच के तुरंत बाद उन्हें का मैच खेला जाएगा। संजनपुर का सारा आ चुका है कमेंट्री बॉक्स, वो बैटिंग करेंगे शायद। टॉस जीता पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो मऊ के कप्तान अपने प्लेयरों के साथ पूरी तरीके से तैयार रहे, इस मैच के तुरंत बाद उनका मैच खेला जाएगा। और फील्डिंग जल्द से जल्द वो सजा ले क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज ही सब कुछ करवाना है। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, गोल्डन गेंद, गेंद के बाद काफी उछाल भरी गेंदबाजी। गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में खेलना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं। तो पूरी तरीके से बात कर रखा है विशाम क्या, कोई भी बल्लेबाज पूरी आजादी या पूरी हौसले से नहीं खेल पा रहा है गाजीपुर के कोई भी गेंदबाज को। ये गेंद और जितने भी मतलब यहाँ दर्शक है उनकी मांग है कि अनवास साहब ये इनका लास्ट टूर्नामेंट होना चाहिए।